हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस ब्लॉग में माता बसंती के मंदिर के दर्शन कराएंगे। चलो दोस्तों, चलते हैं मंदिर के अंदर। गाइस, हम इस ब्लॉग को माता रानी के मेन गेट से शुरू करते हैं। ये माता रानी का मेन गेट है, यहाँ से मंदिर कुछ दूरी पर रह जाता है। गाइस, ये मंदिर अबोर 5 का रोड पर स्थित गांव डंगरखेड़ा में स्थित है, जो कि पंजाब में पड़ता है। चलो गाइस, बढ़ते हैं इस ब्लॉग में आगे की तरफ। यहाँ से माता रानी का मंदिर कुछ दूरी पर ही रह जाता है, जो कि आप पैदल भी जा सकते हो। गाइस, हर अमावस के दिन यहाँ भारी मेला लगता है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। गाइस, आप देख सकते हो सामने माता रानी का मंदिर दिख रहा है, जो कि बस कुछ दूरी पर ही है। चलो गाइस, चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से माता रानी का प्रसाद मिलता है। गाइस, आप देख सकते हो हम माता रानी के मंदिर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। गाइस, ये है माता रानी का मंदिर, जो कि काफ़ी सुंदर बना हुआ है।
चलो गाइस बढ़ते हैं इस व्लॉग में आगे की तरफ और देखते हैं मंदिर के अंदर का नज़ारा। दोस्तों यहाँ पर आप जोड़ी चप्पल जमा करवा सकते हो अपना। गैस ये मंदिर का अंदरला हिस्सा है जो कि काफ़ी सुंदर बना हुआ है। चलो गैस चलते हैं मंदिर के पार्क की तरफ। यहाँ पर काफ़ी शानदार पार्क बना हुआ है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। गाइस अब हम थोड़ी देर में ही माता रानी के दर्शन करेंगे। गाइस मंदिर के अंदर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। चलो दोस्तों करते हैं माता रानी के दर्शन। बस कुछ ही देर में हम माता रानी के दर्शन करेंगे। गाइस ये माता रानी का पुराना ढोलक है।
गाइस, हम अब माता रानी के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हो माता रानी की मूर्ति है जो कि बहुत ही सुंदर है। जय बसंती माता की। गाइस, चलो बढ़ते हैं इस व्लॉग में आगे की तरफ। गाइस, ये हवन कुंड है जहाँ पर जग किए जाते हैं। आप सामने देख सकते हो वो क्षेत्रपाल जी का मंदिर है जो कि बिल्कुल ही माता रानी के मंदिर के पास है। चलो गाइस, चलते हैं उस मंदिर की तरफ। वो बने रहिए इस व्लॉग में। ये क्षेत्रपाल जी का मंदिर है। जय क्षेत्रपाल बाबा की। देख सकते हैं आप, काफी सुंदर मूर्ति है। चलो गाइस, बढ़ते हैं इस व्लॉग में आगे की तरफ।
काफ़ी सुंदर बना हुआ है मंदिर। बस एक बार आप अवश्य यहाँ पर माता टेकने आने। इस तरफ गैस बाजार लगता है। यहाँ पर आप कोई भी सामान खरीद सकते हो। चलो गैस चलते हैं इस तरफ। गाइस आप सामने देख सकते हो ये लंगर हाल है जो कि काफ़ी बड़ा बना हुआ है। यहाँ पर अंदर अमावस के दिन चलता रहता है। यहाँ पर जल सेवा चल रही है गाइस। यहाँ पर गाइस काफी पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। गैस अब हम माता रानी के मंदिर में लगे हुए बाजार के अंदर आ गए हैं। बने रहना इस ब्लॉग में। अब हम गैस बाबा श्री बाबा रामदेव जी के मंदिर में माथा टेकेंगे। चलो गैस चलते हैं बाबा रामदेव जी के मंदिर में। गाइस देखिए कितना सुंदर बना हुआ है यह मंदिर।
गाइस, ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है जो कि काफ़ी सुंदर बना हुआ है। जय बाबा रामदेव की। गाइस, बने रहना इस ब्लॉग में। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बिल नोटिफिकेशन को ऑन करना। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। बाय, गुड बाय।